Good morning, all of you students. Today we are going to study for class 7th social study lesson first history. बच्चों आज हम सभी class 7th history lesson first जिसमें हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को शेयर किया था और जो पिछला वीडियो शेयर किया था हमने आपको मेडिवियल हिस्ट्री के बारे में बताया थे कि मेडिवियल हिस्ट्री का टाइम क्या होता है सीई और बीसीई बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा. आज हम पढ़ेंगे हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम, भारत का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे. लुक एट द मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, आप अपने एटलस में भारत के मानचित्र को देखें. द रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सटेंड फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार एंड इट्स जनरली शील्डेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम द नॉर्थन साइड. यह जो महाद्वीप होता है यह अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ है और साधारणतः यह पर्वतों उत्तर में पर्वतों से होते हुए गया है म्यांमार तक. ऑन द साउथ आर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, आप भारत के मानचित्र में देखेंगे बच्चों जो कि ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल और वेस्ट की तरफ अरब सागर जो कि दक्षिण के भारत के दक्षिणी छोर पे एकदम दोनों मिला हुआ है. दिस क्यूल्डेड लैंड मास इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि यह भारत के उप महाद्वीप के नाम से जाना जाते हैं. बट दिस इज मॉडर्न नेम, लेकिन अब इसका एक आधुनिक नाम है. सबका एक नाम होता है बच्चों, आप देखेंगे आपका भी नाम चिढ़ाने वाला कुछ और होता होगा, जैसे बहुत कुछ नाम है और घर का नाम कुछ और होता है. लेकिन आप लोग जब स्कूल में आते हैं तो उसका नाम बेहतर तरीके से होता है, जैसे किसी का नाम होता है डब्लू और जब आप लोग स्कूल में आते हैं तो यही नाम आप लोग का जैसे लक्ष्य हो जाता है, हाँ अरविंद हो जाता है, बहुत अच्छे अच्छे नाम आते हैं. तो ऐसे ही भारत के नाम जो कि उपमहाद्वीप बहुत विशाल है और वन बाय वन हम समझेंगे कि भारत के नाम में कैसे यह हुआ है. इन द पास्ट भूत में इंडिया हैज बीन नोन ऑफ डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट पीपल एट वेरियस टाइम, भारत का जो नाम पड़ा विभिन्न नाम पड़ा और विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न समय में हुआ. वन ऑफ द अर्ली नोन नेम एज सप्त सिंधु और द एरिया अराउंड द सेवन रिवर्स, एक उसमें से सबसे प्राचीन नाम सप्त सिंधु या सात नदियों का चारों तरफ से एक क्षेत्र हुआ. द एरिया हैड द फॉलोइंग सेवन रिवर, जो यह क्षेत्र होता है सात नदियों से होता है, उसमें से इंडस, काबू, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. उसमें से सिंधु, काबू, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास नदियों के द्वारा हुआ है. पर्शियन एक्सप्लोरर विजिटेड दिस एरिया, जो पर्शियन जो थे वो यहाँ पर क्षेत्र में यात्रा करते हुए आए. द एच इन पर्शियन इज सिमिलर टू द एस इन संस्कृत, जो पर्शियन भाषा है का एच जो है संस्कृत भाषा के एस से मिलता जुलता है, ठीक वैसे ही है. एंड दस द पीपुल ऑफ द रीजन केम टू बी नोन एज सिंधु फ्रॉम द वर्ड सिंधु, और प्रायः जो भारत इस क्षेत्र में आया हिंदू वह सप्त सिंधु से यह जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, इसलिए भारत का नाम पड़ा सप्त सिंधु, मतलब सात नदियों का जो हिंदू है इसी नाम से सप्त सिंधु पड़ा. इन द रिग वेद विच एज द ओल्ड एज अबाउट 3005 ईयर्स देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अ किंग नेम भारत एंड द सिविलाइजेशन इन दैट किंगडम, ऋग वेद में जो सबसे पुराना लगभग 3005 ईयर्स साल पहले की बात है जहाँ पर एक राजा भरत रहते थे और उनका एक अपना एक सभ्यता था, सभ्यता वाला राज्य था. He is said to be having conquered a huge area and the region was named after him Bharat, Bharatvarsh. और यह कहा जाता है कि उन्होंने बहुत एक विशाल क्षेत्र में अपने क्षेत्र को घेरा हुआ था
और यह क्षेत्र भारत या भारत जो भारत उनका नाम था भारत से ही भारत और भारतवर्ष हमारे देश का नाम पड़ा। थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर बता दें बच्चों सप्त सिंधु, सेकंड है भारत या भारतवर्ष, थर्ड नंबर देखिए हिंदुस्तान इज द ओल्डर नेम विच इज पॉसिबली फ्रॉम द पर्सियन डेरिवेटिव इन पर्सियन स्तन अकीन एट द संस्कृत वर्ड अस्थाना विच मीन्स प्लेस। हिंदुस्तान जो कि सबसे पुराना नाम है संभवतः जो पर्सियन से लिया गया है, पर्सियन स्थान और एक संस्कृत का वर्ड अस्थाना से हुआ है जिसका अर्थ होता है स्थान। द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडस केम टू द कॉल्ड हिंदुस्तान बाय द पर्सियन एंड अरब। जो पूर्वी सिंधु की जो भूमि थी वो हिंदुस्तान पड़ा जो यह पर्सियन और अरब के लोगों के द्वारा है। द टर्म हिंदुस्तान इज आल्सो फाउंड इन द राइटिंग ऑफ मिनहज ए सिराज ए कोरिंथियन ऑफ द 13th सेंचुरी वेयर ही डिस्क्राइब्स इट एज द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। यह जो हिंदुस्तान शब्द है बच्चों यह मिनहज ए सिराज में भी पाया गया जो कि 13th शताब्दी में पाया गया जहाँ पर यहाँ गंगा और यमुना नदी के भूमि के बारे में भी बताया गया है। He used in it in a political sense of for land which were part of Delhi Sultanate। यह उपयोग एक राजनीतिक ज्ञान के लिए होता है भूमि के लिए बताया गया है जहाँ दिल्ली सल्तनत के बारे में वहाँ पे दर्शाया गया। It was never delineated towards the south और यह कभी भी यह दक्षिण से की ओर चला नहीं गया। In the 14th century, the poet Amir Khusro mentioned the word Hind, but it did not specify any boundaries। और यह एक कवि अमीर खुसरो जो कि यह शब्द हिंद का उपयोग किया लेकिन यह एक मुख्य रूप से सीमाओं तक नहीं फैला। इन 16th सेंचुरी बाबर ए फेमस मुगल की यूज द वर्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी बेस्ड ऑन फौना एंड द कल्चर द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दस द होल रीजन वाज कंस्ट्रूड एज हिंदुस्तान। और 16th सेंचुरी बाबर जो कि एक प्रसिद्ध मुगल राजा था यह हिंदुस्तान शब्द का उपयोग भौगोलिक आधार पर वनस्पति और संस्कृति के आधार पर उपमहाद्वीपों पे इसका रखा। प्रायः यह पूरा जो क्षेत्र था हिंदुस्तान माना जाता है। डू यू नो क्या आप जानते हैं अमीर खुसरो एक्चुअल नेम वाज अमीरुद्दीन मोहम्मद हसन। ही रोट मोर देन 4 लाख कॉपलेट्स। ही बिकम ए डिसिपल ऑफ शेख नईमुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो वास्तव में एक बहुत उनका वास्तविक नाम यामुद्दीन मोहम्मद हसन था। उन्होंने लगभग 4 लाख से अधिक कॉपलेट्स का प्रयोग किया था और वह बाद में चलकर शेख नईमुद्दीन औलिया का डिसिपल शिष्य मानते हैं। द नेम इंडिया केम टू इंग्लिश यूजेज from the 16th century, 17th century onwards and it is thought or due to the influence of Latin or Spanish। भारत का नाम जो कि इंग्लिश का उपयोग करते हुए 17वीं शताब्दी में इसे रखा गया और यह सोचा गया यह एक शब्द लैटिन या स्पेनिश भाषा से पाया गया है। द मॉडर्न इंडिया और भारत इज कन्फाइंड टू द टेरिटरी विच इज अ पार्ट ऑफ सबवरियन नेशन पोस्ट इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और यह आधुनिक जो भारत था जिसे भारत कहते हैं यह एक क्षेत्र यह एक राष्ट्र का एक भाग था जिसे ब्रिटिश शासन ने इसे रखा गया था। हैविंग सीन द चेंज ऑफ द नेम ऑफ इंडिया यू वुड हैव रियलाइज्ड How names and interpretation change as per time and understanding of writing and record of the past। Let us look at the sources of history and how we learn from them। क्या आपने
भारत के नाम में बदलाव देखा, आपने देखा समझा होगा कि कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे इसमें बदलाव हुआ समय समय पर, और लोगों को लिखने में समझदारी का उपयोग करते हुए एक भूतकाल में एक रिकॉर्ड है हर एक चीज़ को, भूत के चीज़ों को, कब कैसे हमारा देश का नाम भारत पड़ा, कैसे इंडिया रहा, कैसे हिंदुस्तान बढ़ा, कैसे सप्त सिंधु, ये सभी चीज़ें सिंधु यह हमारे भूतकाल में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे इतिहासकारों के स्रोत के बारे में कि कैसे हम उनके चीज़ों को अध्ययन करेंगे। लेट्स चेक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, यह क्वेश्चन लिखा है, लेट्स चेक, आप लोग बुक में देखेंगे, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर वाज मेडिवल पीरियड डिवाइडेड, लिखा गया है कि आधुनिक काल में जो कि कितने भागों में बांटा गया है। व्हाट डू यू स्टडी इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल काल में हम क्या अध्ययन करते हैं। नेम द डायनेस्टी अबाउट विच वी स्टडी इन द लेटर मेडिवल हिस्ट्री, किस वंशज के बारे में हम लोग लेटर मेडिवल पीरियड में पढ़े थे। व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, जो कि भारत का जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था बच्चों, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत के उत्तरी छोर जो हिमालय पर्वत माना जाता है वहाँ से था। हाउ डिड इंडिया गेन एज टाइटल सप्त सिंधु, भारत जो कि अपना टाइटल सप्त सिंधु कैसे रखा, तो सात नदियों के द्वारा, अभी हम इसके पढ़े हैं, अपने बुक में से निकाल के इसे लिखिएगा। हु वाज मिनहज ए सिराज, मिनहज ए सिराज क्या था इसके बारे में लिखिएगा। और आज के लिए बच्चों हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये जितने क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे और इसे बताएंगे आप लोगों को, और जो क्वेश्चन लिस्ट चेक का दिया गया है बच्चों इसको आप लोग रफ कॉपी में क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और आंसर अपने बुक से निकाल कर उसे लिख कर हमारे ग्रुप क्लास सेवेंथ में शेयर करेंगे सभी बच्चे, और जो भी वीडियो होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।